क्या कहेगा हम लोगों को साबसी देगा नेता प्रतिपक्ष है तो तो हमारे खिलपे ना बोलेगा और महंगाई बढ़ गया है कोई के भूखे मरते देख रहे हैं महंगाई और उम्र तो बढ़ता ही है घटता है क्या? आपका उम्र पच्चीस साल हुआ है तो चौबीस साल होगा क्या और जो सामान जो शर्ट आप खरीदे हैं डेढ़ सौ रुपया में हुआ वो एक सौ तीस में थोड़े हो जाएगा अब वो एक सौ में ना होगा कांग्रेस का कोई विचारधारा है कोई सिद्धांत है वो कहीं जा सकता है सत्ता के लिए और सुख के लिए वो कहीं जा सकता है नमस्कार फर्स्ट व्याट झारखंड देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सदन सिंह बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएँ बढ़ रही है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सत्ता पक्ष से सवाल खड़े कर रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी और पलायन को लेकर आखिर सत्ता पक्ष चुप क्यों बैठे हुए हैं और उसके बाद आ, कुछ देर पहले ही पप्पू यादव हाजीपुर पहुंचे जिसको लेकर उन्होंने कहा जो हाजीपुर में जो घटनाएं घटित हुई है उन्होंने कहा कि एक सौ से अधिक विधायक एमएलसी लेकर बैठे हुए हैं लेकिन यादवों की हत्या हो रही है नेता कुछ नहीं बोल रहे इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एम एल सी नवल किशोर यादव हैं सबसे पहले तो नेता प्रतिपक्ष का बयान लेते हैं उन्होंने महंगाई बेरोजगारी पलायन और अपराध को लेकर कई कर संगीन आरोप लगाए हैं आप लोगों के ऊपर कि आप लोग आखिर चुप क्यों हैं इसके ऊपर बोलते क्यों नहीं हैं तो क्या कहेगा हम लोगों को साबसी देगा नेता प्रतिपक्ष है तो तो खिलाफ है ना बोलेगा और महंगाई बढ़ गया है कोई के भूख मरते देख रहे हैं इतनी सड़क पर गाड़ियाँ चल रही है इतना पेट्रोल पंप पर, पर पेट्रोल भरा रहा है इतने बड़े बड़े मॉल में खरीदारी हो रही है पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं आदमी का महंगाई और उम्र तो बढ़ता ही है घटता है क्या? आपका उम्र पच्चीस साल हुआ है तो चौबीस साल होगा क्या और जो सामान जो शर्ट आप खरीदे हैं डेढ़ सौ रुपया में हुआ वो एक सौ तीस में थोड़े हो जाएगा अब वो एक सौ साठ में ना होगा तो उम्र और कीमत दोनों अपने रफ्तार से बढ़ते ही रहता है घटने का सवाल नहीं है देखना यह है कि लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं क्या सोसाइटी देबा हो गया पेइंग कैपेसिटी नहीं बाज़ार गिर गया तो बाज़ार आगे ही चल रहा है पेइंग कैपेसिटी है ही पाँच किलो अनाज एक व्यक्ति पर मिलिए रहा है तो इसमें बोलने का क्या बात है जहाँ तक अपराध का है तो कोई अपराध गिनल चुनल कहीं ये लखैरा लोग कर ले रहा है जी. तो उसको पुलिस हर हाल में पताल से भी घीच के ऊपर ला रही है कोई ऐसा नहीं है लालू जी के कार्यकाल और राबड़ी जी के कार्यकाल के तरह की एक नंबर पर बैठ के और फिरौती की बात की जा रही हो किडनेपिंग की बात की जा रही ऐसा तो कुछ है नहीं तो इसमें बोलना क्या है करना है और ये सरकार बोलती नहीं है करती है अठारह साल और सत्रह महीने सरकार को लेकर वो पैडलर करते हैं कल भी उन्होंने बयान दिया था कि अठारह साल और सत्रह महीने में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा में और लाखों नौकरियां हमने दी और उसके बाद मेरे हटते ही बिहार की क्या स्थिति हुई सब देख रहे हैं क्या हो गया बिहार में आग क्या लग गया बिहार में आदमी नहीं घूम रहा आप लोग नहीं घूम रहे हैं क्या आप लोगों को कोई पकड़ ले रहा है का? क्या स्थिति हुई बिहार बेहतर स्थिति में है बिहार बेहतर तरीके से चल रहा है आगे बढ़ रहा है बिहार अभी केंद्र से भी पैसा आया है वो अथाह पैसा आया है तो बिहार की स्थिति तो बेहतर हो रही है बिहार की स्थिति खराब थोड़ी हो रही है हाजीपुर में जो घटनाएं घटित हुई थी उसको लेकर पप्पू यादव पहुंचे हुए हाजीपुर उन्होंने कहा है कि 100 से अधिक विधायक लेकर बैठे हैं और यादवों की हत्या हो रही है क्योंकि आप नवल किशोर यादव हैं एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के और वो ये बयान दे रहे हैं कि यादवों की हत्या हो रही है, का लिखल है कि यादव की हत्या नहीं होगा यादव की हत्या नहीं होगा राजपूत की हत्या नहीं होगा भूमिहार के हत्या नहीं होगा ये लिखा लगा कहीं इसी को हुड़ार चिन्हें ब्राह्मण का लेगा कि पंडित जी इनका पूजा करना है जो आया उसको मारता है उससे मराता है ये कोई बड़ी बात नहीं है पप्पू यादव के स्टेटमेंट हो सकता है पप्पू यादव से पूछिए एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होना है और कांग्रेस पार्टी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी एनसीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कुछ भी कहना चाहेंगे नया कौन बात है सब तो गठबंधन में ही है तो गठबंधन करे गठबंधन करे गठबंधन करे वो उनका मतलब सत्तर की।, की बात कर रहे हैं कि बहाल करेंगे पैंतीस तो हट के लिए तब बहाल कैसे करेंगे तो हट गया ना तो अब कैसे बहाल करेंगे हट गया सो हट गया नेशनल कॉन्फ्रेंस तीन सौ सत्तर पैंतीस ए का विरोध करती रही है हमेशा और बहाल करने की बात करती है लेकिन आज कांग्रेस पार्टी उसी पार्टी के साथ गठबंधन की हुई है हाँ तो अब उनको करने दीजिए कांग्रेस को दूसरा चारा क्या है कांग्रेस का कोई विचारधारा है कोई सिद्धांत है वो कहीं जा सकता है सत्ता के लिए और सुख के लिए वो कहीं जा सकता है देखिए सत्ता के सुख के लिए कांग्रेस पार्टी कहीं भी जा सकती है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होना है जिसको लेकर कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी वहाँ पर गठबंधन की हुई है वहीं बिहार में अपराध की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एम एल सी नबल किशोर यादव ने साफ तौर पर कहा कि घटना कोई नहीं घट रही है छिटपुट घटनाएं घट रही है उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है और महंगाई को लेकर भी इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेइंग देखिए और सड़क पर गाड़ी चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष है उनका आरोप प्रत्यारोप लगाना वाजिब है वायरलेस कर्म में इतना ही आगे की अपडेट के लिए बने रही फर्स्ट व्यार झारखंड पर से। ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना ये लो मुंह मीठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हो हमने पूर्णिया में घर ले लिया पूर्णिया के ई होम्स पैनोरो में में पेनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पेनोरमा बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरोमा के संग ई होम्स पैनोरो लग्जूरियस लाइफ स्टाइल